इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, कोरोना पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नसीहत आई है। बड़ी खबर यह है कि केंद्र और राज्य सरकार लॉकडाउन पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम है यानी कि जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं उस पर रोक लगाई जाए, ये सलाह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से कहा गया कि अब सरकारी लॉकडाउन पर विचार करें। वही बात की जाए, दुनिया में तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में 16% मामले अचानक बढ़ गए हैं। भारत के 6 राज्यों में भी घातक लहर ने दस्तक दे दी है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 45,050 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 457 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 4,37,860 लोगों की मौत हुई है। केरल से बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,265 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 153 लोगों की मौत हो गई है। केरल में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना। केरल में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन पर विचार करने के लिए बोल दी कि लॉकडाउन केंद्र सरकार और राज्य सरकार लॉकडाउन पर विचार करे, स्कूल कॉलेज बंद करने के भी विचार करे, क्योंकि स्कूलों से कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है।